इस माइन चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। सावन में परमात्मा शिव पर समर्पित हुई 200 युवा बहनें, आजीवन समाज कल्याण का संकल्प। गाजे बाजे के साथ हुआ समारोह। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में 12 दिवसीय गोदावरी महापुष्कर कुंभ मेले का समापन। ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक गैलरी तथा द्वादश ज्योतिर्लिंगम से लाखों लोगों को मिला परमात्मा का सत्य परिचय। काठमांडू में स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग विषय पर प्रवचन माला का आयोजन। ख्यातनाम हस्तियों ने की शिरकत। राजयोग को श्रेष्ठ जीवन के लिए बताया जरूरी। भुवनेश्वर के IMS में परिषद की बैठक, संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। आध्यात्मिकता के जरिए जीवन बदलाव का आह्वान। बेंगलुरु में उद्योगपतियों के लिए व्यापार में सफलता विषय पर संगोष्ठी। जीवन में संयम एवं संतुलन बनाने से व्यापार में मिलेगी सफलता, विशेषज्ञों का आह्वान। कर्नाटक के सिरसी में युवाओं के लिए बौद्धिक विकास कार्यक्रम, भारत सरकार के युवा तथा खेल मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। राजकोट के अवधपुरी में माई सिटी ग्रीन सिटी डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, वृक्षारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा का संदेश। सेवा केंद्र के प्रत्येक सदस्य ने लगाए पौधे। और गुरु पूर्णिमा पर देश के कई हिस्सों में जारी है कार्यक्रम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात समेत कई स्थानों में गुरुओं के गुरु परमात्मा शिव के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में संस्थान से जुड़ी 200 युवा बहनों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए श्रावण के पवित्र मास में परमात्मा शिव को जीवन साथी मानते हुए समर्पित हो गईं। आजीवन समाज कल्याण का संकल्प के साथ समर्पित बहनों के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के शांतिवन परिसर के डायमंड हॉल में आयोजित इस समारोह में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके मोहिनी, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, कार्यक्रम निदेशिका बीके मुन्नी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। तांबर चुन्नियों में सजी युवा बहनें बजता बैंड बाजा और हर एक के चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ शांति लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच रही थी। श्रावण का पवित्र मास और परमात्मा शिव पर कुर्बानी युवा बहनों का संकल्प सिर्फ समाज का कल्याण और बेहतर विश्व की परिकल्पना, सचमुच एक चौंका देने वाली घटना है। कल्याण करना है और पूरे विश्व की आत्माओं को सुख और शांति का संदेश पहुंचाना है और अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाना और सबका जीवन श्रेष्ठ बनाना। भौतिकवादी और फैशन परिस्थिति की दुनिया छोड़ सादगी के रूप में श्वेत लिबासों में लिपटी शांति दूत के संदेश वाहक से कम नहीं थी। उनके माता पिता और रिश्तेदार इतने प्रफुल्लित थे कि शायद यदि भौतिकवादी युग में भी ऐसा माहौल होता तो इतनी खुशी नहीं होती। वाकई उन सभी युवक और युवतियों के लिए यह संदेश है कि युग कैसा भी हो परंतु ईश्वर पर समर्पण की चाह उसे उस मार्ग की राही तो बना ही देती है। इन युवा बहनों ने यह संकल्प कर लिया है कि नारी शक्ति के जरिए पूरे विश्व के कल्याण में श्वास और संकल्पों की आहुति देती रहेंगी।
समारोह में संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा कि यह जीवन केवल एक जन्म का नहीं बल्कि 84 जन्मों से श्रेष्ठ है। सिर्फ मन में एक परमात्मा है और उसके मत पर चलने से ही स्व और विश्व का कल्याण होगा। यह है भगवान, यह है भाग्य। बाबा कहते हैं बच्चे, भाग्यवान बच्चे वो जो सदा खुश रहे, आबाद रहे, जो पुरानी बातें हैं ये भूल जाए, जो सामने हमारे उस खुशी में करे नाचे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया कि वे अपने जीवन में सदा सफल रहें। परमात्मा पिता तो सर्व आत्माओं का पिता, बच्चियां भी भल उनको अपना साथी, लेकिन साथी के साथ वो हमारा सतगुरु, सदा इस बात को याद रखे। हमारी बच्चियों ने अपने मन से प्राण से शिव पिता को अपना बनाया है, तो वो देखते हैं वर कैसा है, तो इनका वर सर्व गुण संपन्न है, सत्यम शिवम सुंदरम है। समारोह में केक काटकर विधिवत उमंग उल्लास में आजीवन समाज कल्याण करने का संकल्प दिलाया गया। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में युवा बहनों ने प्रतिज्ञा कर हमेशा आजीवन समाज सेवा का व्रत लिया। इस अवसर पर युवा बहनों के माता पिता के साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। एक पिता परमात्मा के साथ ही, एक पिता परमात्मा के साथ ही सर्व संबंध जोड़ूंगी, सर्व संबंध जोड़ूंगी। हमारा ये वायदा, हमारा ये वायदा सदा पक्का रहेगा, सदा पक्का रहेगा कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में आयोजित गोदावरी महापुष्कर कुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाए गए 12 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का समापन हो गया। गांधीपुरम एक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस मेले के आखिरी दिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने फीता काटकर तथा दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। बारह वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला गोदावरी महापुष्कर कुंभ मेले में यादगार तब बन गया जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने आध्यात्मिक कुंभ के रहस्य समझाने के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मेले में उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया जिसमें नासिक दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, आध्यात्मिक गैलरी, संग्रहालय तथा व्यसन मुक्ति और हवन कुंड भी इसके साक्षी बने। लोगों ने इसके फेरे तो लगाए ही, साथ में संकल्प किए कि सच्चा सच्चा कुंभ वही है जिसमें ज्ञान स्नान कर अपने आप को पवित्र बना लिया जाए। लोग यहाँ पे बहुत धूमधाम से ये इस उत्सव को मना रहे हैं जिसको कहते हैं कि कुंभ मेला। यहाँ पे उसको नाम दिया गया है पुष्कर उत्सव। तो इस पुष्कर उत्सव में बहुत देशों से ही नहीं, पूरे गांवों से बहुत सारे भक्तजन पधार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यह देख के, बहुत अच्छी तरह बनाए और एक ही जगह में सब महाशिवलिंग का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। इस मेले का 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। नेपाल काठमांडू के जयपुर एकेडमी में ब्रह्मा कुमारी द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग विषय पर प्रवचन माला का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर संविधान सभा के सदस्य चंद्र महाजन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुदीप पाठक, स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम समेत कई ख्यातनाम हस्तियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित चंद्र महाजन ने कहा कि इस बढ़ रहे तनाव के युग में राजयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे व्यक्तिगत तथा सामाजिक तौर पर सभी को लाभ होगा। इस अवसर पर राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी भी सजाई गई, जिसका सभी उपस्थित लोगों ने अवलोकन किया। नन्हे बाल कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत भी किया। भुवनेश्वर के द न्यू मैरिन होटल में IMS नेशनल CME 2015 द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IMS की मिड टर्म गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में ब्रह्मा कुमारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग का शुभारंभ यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, IMS के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रमा वैद्य, अध्यक्ष डॉक्टर हरा प्रसाद पटनायक, प्रधान सचिव डॉक्टर जिग्नेश शाह समेत अन्य कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके दुर्गेश नंदिनी ने आध्यात्मिकता को व्यक्तित्व विकास के लिए मूल आधार बताते हुए कहा कि आज हर मनुष्य अपना जीवन शांतिपूर्ण तथा खुशहाल रूप से व्यतीत करना चाहता है, जो कि आध्यात्मिकता से ही संभव है। What is the aim of our life? And while thinking about taking their care, we feel they must have a good health, they must enjoy their health, isn't it? And they should possess all the resources what in the society they should have, that is wealth. And the third thing is happiness. इस कार्यक्रम में सैकड़ों सीनियर डॉक्टर्स और देश के मेडिकल प्रोफेसरों ने भाग लिया। बेंगलोर आरटी नगर के तराला बालू केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा उद्योगपतियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यापार में सफलता एक नया आयाम विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरटी नगर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक और अध्यक्ष BR प्रसन्ना कुमार, गंगानगर ब्रांच में सिंडिकेट बैंक के मुख्य प्रबंधक V प्रभाकर, मैसूर से उद्योगपति वीरम सिंह, संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK गीता, कुमारा पार्क के सब जोनल प्रभारी राजयोगिनी दादी सरला, प्रभाग के सदस्य BK राज सिंह ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने व्यापार में सफलता पाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि आध्यात्मिकता के द्वारा ही जीवन में संयम एवं संतुलन बनाकर व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र पर संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का शुभारंभ उप पुलिस अधीक्षक प्रसन्ना देसाई, सहायक आयुक्त डॉक्टर नागेंद्र होनाली, डेंटिस्ट डॉक्टर नारायण भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी BK वीना समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK वीना ने सभी उपस्थित युवाओं से अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, कॉमर्स तथा साइंस समेत अन्य कई विश्वविद्यालयों के युवाओं ने भाग लिया। राजकोट के अवधपुरी में माई सिटी ग्रीन सिटी डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में
कमिश्नर विजय भाई नेहरा, वार्ड नंबर 6 के कॉरपोरेटर रसिक भाई पटेल, अनिल भाई राठौर तथा अरविंद भाई रैनी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर विशेष तौर से उपस्थित कमिश्नर विजय ने सेवा केंद्र से जुड़ी कई महिलाओं को पौधे भेंट कर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 6 दिवसीय सामूहिक राजयोगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णता और संपन्नता की ओर बढ़ते कदम पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कमला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ बीके बहनों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर औरों को भी परमात्मा के ज्ञान से लाभान्वित करने का आह्वान किया। ज्ञान का सागर, जब भी बाबा की महिमा करनी होती है तो बाबा ने बताया होता है कि मेरे कौन से गुण की चर्चा करनी है, ज्ञान का सागर। और हम सब आत्मा के लिए है, पहला गुण हमारा है ज्ञान स्वरूप। इस ज्ञान स्वरूप के अंदर हमारे सारे गुण समाये। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर राज्यों के अभ्यास द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास किया। गुजरात नवसारी के जलालपोर में स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित स्वप्रबंधन विशेषज्ञ बीकेईवी स्वामीनाथन ने उपस्थित बीएड विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षक बनने के गुण सिखाए तथा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के निदेशक आरआर कसवाला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु, बीएड कॉलेज के प्राचार्य संजय भाई पटेल, एमबीए तथा एससीए के विद्यार्थियों समेत कई प्रोफेसरों ने भी भाग लिया। पंजाब में ब्रह्म कुमारीज के होशियारपुर सेवा केंद्र तथा जिला प्रशासन द्वारा बाल सुधार गृह में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधीश आनंदिता मित्रा ने बच्चों को नैतिक शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने भी समाज परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन करने पर बल दिया। नेपाल में लमजुंग जिले के हिमाली माध्यमिक बोर्डिंग स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोरलेटार में आयोजित इस कार्यक्रम में दमौली के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खटका ने राजयोग के अभ्यास द्वारा मेमोरी पावर को बढ़ाने की कला सिखाई। इस अवसर पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने सहभागिता की और कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को साझा भी किया। भुवनेश्वर के नाबार्ड बैंक में तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू के बीके भगवान ने कहा कि तनाव में रहने से मनुष्य की कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए राज्यों को अपनाकर अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना चाहिए। जिसके कारण वो व्यक्ति
अपने कार्यों में कुछ गलतियां भी कर बैठता है और गलतियां उनको भी भुगतना पड़ता है और जहां बच्चे कर रहे काम कर रहे उनको भी भुगतना पड़ता है। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक एस के काणे, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे। ऐसे ही श्रीमती कस्तूरबा सरस्वती शिशु मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य रेणु पटनायक, बीके धरित्री समेत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा पालिका कॉलोनी में सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में बहादुरगढ़ सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अंजलि, सेक्टर 2 के प्रभारी बीके विनीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणु समेत कई बीके बहनों ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी उपस्थित सदस्यों ने एकत्रित होकर विश्व में सद्भाव एवं एकता के वाइब्रेशन दिए तथा सभी के प्रति शुभभाव रखने का संकल्प भी लिया। मित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, मित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य प्रकाश धाम सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश चेयर डॉक्टर पुनीत मेहता ने हीलिंग टच मेडिटेशन का अभ्यास कराकर मन तथा तन की बीमारियों के नियंत्रण के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। राजकोट के गायकवाड़ी में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जोशना समेत अन्य सदस्यों ने 50 पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का संदेश दिया। भोपाल में शाहपुरा लेक के ऋषभ देवा उद्यान में सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, सोनागिरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनी तथा कोलार रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत अन्य कई विशिष्ट बीके बहनों ने शिरकत की। इस अवसर पर भोपाल के कई सेवा केंद्रों से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता कर विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। अब कुछ खबरें गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की। राजस्थान के उदयपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली विषय पर आधारित इस संगोष्ठी में सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष फादर नोबर्ट, ईश्वर प्रेम आश्रम के अध्यक्ष विश्व भारती, सिख धर्म से ज्ञानी साहब, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। महाराष्ट्र के नागभीड़ उपसेवा केंद्र में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चिकित्सकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर नागतोष विश्वास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एस के मंडल, आयुर्वेदिक डॉक्टर वैभवी प्रकाश, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशाल अमृतकर समेत अन्य कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मेघा ने राजयोग के नियमित अभ्यास से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान परमात्मा की याद द्वारा जीवन में आने वाली हर समस्याओं का सहज समाधान करने की कला सिखाई। इंदौर के कलानी नगर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए परम सदगुरु एक निराकार परमात्मा शिव को बताया। जहाँ कोई दुर्गति नहीं, जहाँ कोई दुष्कर्म नहीं, जहाँ कोई दुराचारी नहीं होगा, जहाँ कोई प्रकार का रोग बीमारी नहीं होगा, माने कोई भी दुख दर्द की बातें नहीं, उसको कहते हैं सत्य।
इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने गुरु की महिमा में कविता तथा नृत्य प्रस्तुत कर परमात्मा का सत्कार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सीएल एजुकेट प्रशिक्षण केंद्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर में हुसलापुर सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके राखी ने गुरु पूर्णिमा के वास्तविक अर्थ तथा उसके महत्व को स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम में राजकिशोर नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा तथा अशोकनगर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके शालू, सीएल एजुकेट की कंसल्टेंट मैनेजर हेमल कुमार पालीवाल, मैनेजर रवि गुप्ता समेत कई कर्मचारियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के भरवाहा सेवा केंद्र पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीणा ने परमात्मा गुरु के सद्मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित संस्था से जुड़े लोगों ने परमात्मा शिव को फूल अर्पित किए। नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर भी उमंग उत्साह के साथ गुरु पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सेवा केंद्र के बीके बहनों का सम्मान किया तथा उनकी महिमा में कविता प्रस्तुत कर अपने भाव को प्रकट किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।